A lot of fears, obviously. I want to know more. So, who's going to start? Devra is an action drama. The crescent moon becomes a full moon with that. What is the runtime of part one? See, Sandeep asking about that. How long was Animal, sir? 3:15? 3:24. आप लोगों ने देखा संदीप रेड्डी वंगा कितने ज्यादा एक्साइटेड है देवारा मूवी के बारे में जानने के लिए कि किस तरह का एक्शन सीक्वेंस है, उसी के साथ साथ किस तरह से इस एक्शन सीक्वेंस को किया गया है। लेकिन एक तरफ ये खटमल छाप क्रिटिक्स हैं जो कि भाई समझ ही नहीं पा रहे कि मूवी अच्छी है या नहीं। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा मुझ पर, तो ये सीन देख लो आप। ओह भाई यार, मूवी पार्ट वन। ओके, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो भाई हर चीज से करते हैं हम लोग। बहुत बहुत अच्छा, होप नहीं आ रहा है इसे देखकर कि अच्छी होगी। मतलब आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये आपके फेवरेट क्रिटिक्स हैं जिनका ध्यान लंदन पेरिस की यानी कि हॉलीवुड की मूवियों पर ज्यादा जाता है और नेगेटिविटी करने के लिए साउथ इंडस्ट्री की मूवियां उठा लेते हैं। होप अच्छा नहीं आ रहा है, ये बात नहीं कि हम होप अच्छी नहीं करते, ये नहीं करते। तो भाई आप ही लोग सपोर्ट किए इन लोगों को जो कि आज के टाइम पर फैन वॉर करा रहे हैं, अच्छी चीजों को गलत बोल रहे हैं। माना कि मुझे भी कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा देवारा मूवी का ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। मैंने आप लोगों को मेरे ओपिनियन बताए थे कि BGM में उसी के साथ साथ जो वॉइस ओवर है वो कहीं ना कहीं KGF वाला टच दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भाई सब ये उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद आप समझ रहे हैं उम्मीद क्या होती है। लेकिन यार मैं आप लोगों को बताऊं ना यार, मौका तो दो, क्योंकि आज तक अपन ने जितने भी ट्रेलर देखे स्टार्टिंग में, मतलब कि जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है भाई, YouTube पर अलग देखने को मिलता लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस अलग होता। और यहाँ तो ये IMAX वर्जन में रिलीज हो रहे ना, और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ, ये जो मिलियन में जो फॉलोअर सब्सक्राइबर लेकर चल रहे ना, ये किसी के सगे नहीं है। अब आप खुद सोचो यार, 250-300-400 करोड़ के बजट में ये 6,000 करोड़ वाला VFX देख रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। अगर इस तरह चलता रहा ना तो आए दिन इंडियन सिनेमा को भाई साहब ये मतलब कि होता ना कि बेइज्जती करते रहेंगे, ये सारी चीजें करते रहेंगे। आप संदीप रेड्डी वांगा को देख लो किस तरह से डायरेक्टर कोर्तला सिप से, ग्लोबल स्टार JR NTR सर से क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है, ये किस तरह से एक्शन सीक्वेंस किए गए हैं। मैं काफी सारा जानना चाहता हूं देवारा मूवी के बारे में, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कैसा क्या होने वाला है। लेकिन वहीं पर भाई साहब पीज है एक्सप्लेन्ड भैया, जो कि भाई साहब जिनका मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये मतलब कि बोला जाए ना तो रहते यहाँ है खाते वहां का, मतलब आप समझ ही रहोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखें देवारा मूवी भाई साहब, वो सेंसेशनल डायरेक्टर कोर्तला सिंह ने डायरेक्शन दिया है जहां पर, और इनका इनकी बैठक ये मतलब कि ये दो दो बीड़ी बीड़ी पीने वालों के साथ नहीं होती है भाई, बीड़ी पीने वाले डायरेक्टरों के साथ नहीं होती है। डायरेक्टर प्रशांत नील सर, ये बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ इनकी उठक बैठक होती है, और ये आए कल के यूट्यूबर और ये बता रहे कि देवारा मूवी कैसी होने वाली है, कैसी होगी, ज्यादा अच्छा होप नहीं आ रहा है, इतना अच्छा खास नहीं होने वाली है। बाकी यार मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ लोग होते हैं ऑडियंस ही चूतिया होती है, जैसे इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करती है जो कि एक अच्छे खासे कॉन्टेंट मास्टरपीस मूवियों को भाई सब कचरा उनकी बेइज्जती करते नजर आते। बाकी यार भाई अपन तो आप लोगों को पता है एकदम डाउन टू अर्थ है और सारी चीजें वही बोलते हैं जो समझ में आता है। वैसे गाइस आप लोग बताओ क्या लगता है संदीप रेड्डी वांगा सर के एक्साइटमेंट के बारे में, जो कि देवारा मूवी के लिए आप देख ही चुके हैं। उसी के साथ साथ एक तरफ ये लंदन पेरिस वाले यूट्यूबर पीजे एक्सप्लेन के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।